अब हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए ड्राई फ्रूट, जैसे कि 5 बादाम हमने चॉप कर लिए हैं और 5 किशमिश को हमने थोड़ा डिप कर लिया है। और इसके लिए आधा कप सूजी, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, और आधा कप ही हमें चाहिए चीनी, आप चाहें तो इससे कम ले सकते हैं, और थोड़ा सा घी। बोलो। ये चीनी को पानी में डालकर इसे पहले हम बॉईल कर लेंगे। अब देखिए चीनी पानी में घुल रही है, जब ये पूरी घुल जाए और पानी बॉईल हो गया है तो इसको हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम सूजी को कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस को हाई फ्लेम में करिए, सूजी को हिलाते रहें। देखिए सूजी ड्राई रोस्ट हो चुकी है 1 मिनट में, और इसमें अब हम डालेंगे घी। 2 चम्मच घी डल जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए जितना सूजी में रिक्वायर हो उतना डाल दीजिए, और इसको सूजी के साथ मिक्स करिए। मिक्स करिए सारी सूजी को घी में, और फ्लेम को थोड़ा हाई करके इसे गोल्डन रेड होने तक भूने। जब सूजी में खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा ये गोल्डन कलर में आ जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। अब ये सूजी जो है हल्की सी रेडिश होने लग गई है। अगर आपको लगे कि सेक ज़्यादा है तो उसे लो फ्लेम में कर सकते हैं या मीडियम फ्लेम में कर सकते हैं। भूनते हुए ये ध्यान रखें कि ये जले ना। अब इसमें हम डालेंगे गरम किया हुआ पानी, जो चीनी डालकर हमने गरम। अब इसमें हाफ जो है हमने बादाम काटे थे वो डालेंगे। फ्लेम लो है, किशमिश जो डिप किए थे वो डाल देंगे, और पानी डालते हुए ध्यान रखेंगे कि भाप आपके हाथ में ना लगे, और इसे धीरे धीरे हिलाते हुए डालेंगे। अब थोड़ी फ्लेम हाई करके इसको हम हिलाते रहेंगे जब तक कि पानी पूरा सूजी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अब हलवे की खुशबू आने लग गई है और पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है सूजी में, ये थोड़ी थिक हो रही है। अभी फ्लेम, अगर छींटे पड़ रहे हैं तो आप फ्लेम फिर मीडियम या स्लो कर दीजिए। इसमें आप ध्यान रखेंगे जब पानी डालते हैं सूजी में तो स्टीम आपके हाथ में ना लगे, आप चाहे गैस बंद कर सकते हैं, और इसमें जो गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। पक रही है तो इसके जो छींटे हैं वो आपके हाथ में ना पड़े। अब ये देखिए ये बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे, बच्चों की पसंद का हलवा तैयार है। इतना हलवा 2 या 3 जने खा सकते हैं। ये मैंने गार्निश कर दिया है बादाम से। अगर आपको पसंद है तो आप डालें ड्राई फ्रूट, आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे सिंपल बनाकर भी खा सकते हैं।